राम गोपाल जी, आपने यमन का जिक्र किया था, मैं कहना चाहती हूँ आपसे, अगर हम यमन से लोगों को निकाल कर ला सके तो क्यों निकाल कर ला सके? लड़ाई किन के बीच में हो रही थी? सऊदी अरब और यमन। सऊदी अरब गोलाबारी कर रहा था, इस कारण से यमन का हवाई अड्डा बंद था। मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप एक बार सऊदी नरेश से बात करेंगे, अगर वो गोलाबारी बंद कर दें कुछ दिनों के लिए तो हम अपने लोग निकाल लें। उन्होंने बात की, मेरे सामने बात की, तो सऊदी नरेश ने कहा कि कई दिनों के लिए तो नहीं, ऐसा करते हैं हर दिन 2 घंटे के लिए गोलाबारी बंद कर देते हैं 9 से 11, आप यमनियों से बात कर लो, अगर वो हवाई अड्डा उस समय खोल दें तो आप अपने लोगों को निकाल लो। कितनी जटिल स्थिति थी, 3 ही तरीके हैं लोगों को निकालने के लिए, जल थल नभ, या सड़क के रास्ते निकालो, या समुद्र के रास्ते निकालो, या आकाश के रास्ते निकालो। आकाश के रास्ते विमान से, समुद्र के रास्ते शिप से, और सड़क के रास्ते बस से रेल से। पूरे यमन में लड़ाई हो रही थी, कोई बस चल नहीं सकती थी, समुद्र में लुटेरे बैठे थे, पूरा का पूरा पायरेसी से ग्रस्त क्षेत्र है, और आसमान से गोलाबारी हो रही थी। ऐसी स्थिति में जब उन्होंने कहा कि सऊदी नरेश से बात हो गई है और वो कह रहे हैं कि हम रोज़ नहीं 9 से 11 में 2 घंटे के लिए गोलाबारी रोक दिया करेंगे, तो अब तुम यमनियों से बात करो कि वो हवाई अड्डा खोल दें। ये थी भारत की विदेश नीति की सफलता। 9 से 11 रोज 2 घंटे सऊदी अरब गोलाबारी रोकता था और यमनी हवाई अड्डा खोलते थे, और उसके कारण से जनरल वीके सिंह गवाह हैं, व्यक्तिगत तौर पर जाकर खड़े थे, 4,700 लोग हम अपने निकाल कर लाए, 2,000 विदेशी निकाल कर लाए, और वो छोटे मोटे देश के विदेशी नहीं थे राम गोपाल जी, 48 देशों के लोग निकाल कर लाए, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मन, नहीं इसीलिए मैं कह रही हूँ, आपने जो तारीफ की ना, नहीं उसी से शुरू किया, आप कॉमरेड से बात कर रहे थे, कॉमरेड येचुरी से बात कर रहे थे, और आपने नहीं, मैंने उसी से शुरू किया कि राम गोपाल जी ने जो यमन में निकालने की तारीफ की, वो हमारी विदेश नीति की सफलता का एक बहुत बड़ा मानक है कि क्यों निकाल के ला सके। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि भारत में अगर एक तरफ सऊदी भी साथ देता और यमन भी साथ देता, अमेरिका भी साथ देता है, रूस भी साथ देता है, इसराइल भी साथ देता है, फलस्तीन भी साथ देता है, पड़ोस साथ देता, और आप कहते हम अकेले खड़े, हमारा कोई साथ ही देने वाला नहीं, हम तो अकेले खड़े, हम तो पूरी दुनिया में अकेले खड़े, ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा तरीका है? और ये सारी चीजें मैं प्रूफ दे करके, सबूत दे करके बोल रही हूँ, एक एक चीज को सबूत दे करके बोल रही हूँ।